इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरों में आम तौर पर गोरख धंधा शब्द का उपयोग करके खबर को खासा तड़का लगाया जाता था, पर अब इसके विरोध में खरगोन जिले का नाथ समुदाय सड़कों पर उतर आया है और मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया है। इस दौरान समुदाय ने मीडिया से रूबरू होकर बात का खुलासा किया कि नेपाल में स्थापित गोरखनाथ जी हमारे आराध्य कुल देवता होकर साक्षात भगवान शिव का अवतार है। ऐसे में गोरख शब्द का दुरुपयोग होने और समाज की भावना आहत होने की बात पर शब्द पर प्रतिबंध लगाने की बात पर ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल खबर को संवारने वाले गोरख शब्द के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगने के लिए खरगोन जिले के नाथ समाज ने पहल की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या है मामला? सर, हम निमाड़ नाथ योगी समाज खरगोन के से नाथ समाज से हैं और हमारे हम राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को इसलिए ज्ञापन देने आए कि हमारे समाज में जो गोरख ये जो लोगों के द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया था गोरख धंधे का, तो हमारे गोरखनाथ जी हमारे आराध्य देव है, तो हमारा आराध्य देव के अपमान होता है, इसके लिए हम उसका विरोध करने आए। तो इस हिसाब से हम कहें कि शासन से ही करते कि अगर इस हिसाब से ये जो गोरख धंधा जो बोला जाता है इसको बंद किया जाए, मतलब गोरख का जो उपयोग किया जा रहा है वो बंद किया जाए, गोरख धंधे का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्दों में बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है कि ये काम आ रहा हो तो गोरख धंधा चल रहा है, वो गोरख धंधा चल रहा है, तो वो चीज़ वो हमारा आराध्य देव है, तो गोरखनाथ जी के नाम से हमको आपत्ति कि वो हमारा आराध्य देव शिव जी के वो है अवतार है, तो कम से कम उसको उनके वो नहीं होंगे। क्या नाम लिखता है? उस हिसाब से उनको बदनामी मिलती है। क्या नाम लिखता? किशोर चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।